हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टिफाई 99। तो ये प्यारी सी प्रिंसेस बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए, कार्डबोर्ड और पॉलीथीन जो इजीली अवेलेबल होती है। मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर ये जो डॉल है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है और फिर इस तरीके से कट कर दिया है। तो हमारी जो डॉल है वो इस तरीके से बनेगी। अब इसकी जो बाउंड्रीज है उसको हम मास्किंग टेप से इस तरीके से कवर कर लेंगे। हम कवर इसलिए कर रहे हैं कि जो कार्डबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी परतें होती हैं और जब हम उसको कट करते हैं तो वो दूर दूर चली जाती है और कुछ टाइम के बाद सीलन की वजह से ये पूरा कार्डबोर्ड हमारा पूरा ख़राब होने लगता है। तो अगर हम मास्किंग टेप से कवर कर लेंगे तो ये बाउंड्रीज अच्छे से कवर हो जाएगी और ये टाइम के साथ ख़राब नहीं होगा। तो मैंने इस तरीके से पूरा कवर कर लिया है। जहाँ कॉर्नर पे जब हम मास्किंग टेप लगाते हैं तो वो प्रॉपरली नहीं चिपक पाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो कॉर्नर वाला पोर्शन जब आता है तो उसमें मास्किंग टेप के दोनों साइड से कैंची से कट कर देते हैं और फिर चिपका देते हैं, तो वो अच्छे से शेप में आ जाता है। कुछ इस तरीके से मैंने कट कर दिया है और अच्छे से चिपका दिया है। तो ये देखिए, हमारा पूरे तरीके से मैंने मास्किंग टेप को लगा दिया है। तो हमारी ये जो प्यारी सी प्रिंसेस है वो इस तरीके से रेडी है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक इक्लेरिक कलर से पेंट कर देंगे। इसकी ओवरऑल बॉडी को पेंट करेंगे, बस वो जो ऊपर जो हमारी जो प्रिंसेस है उसकी जो फ्रॉक का जो अपर ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने कलर नहीं किया है, क्योंकि उस पर मैं डायरेक्ट ये पॉलीथीन को कट करके और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके चिपका दूंगी। जो हमने पहले नीचे जो ड्रॉ कर रखा है वो प्रॉपरली मुझे दिख रहा है पॉलीथीन के अंदर, तो मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है और कट कर लिया है। कुछ पार्ट साइड से मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जो साइड में मैं चिपकाऊंगी उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, और अपर पार्ट पे से ही लिया है जैसा हमने शेप ड्रॉ किया है। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लिया है और इसको प्रॉपरली कट करके मैं अब ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरीके से चिपका दिया है और पीछे जो बचा हुआ हिस्सा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको मैंने पीछे चिपका दिया है। ये हमारी डॉल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हमारी डॉल की जो नीचे फ्रॉक है उसको हमें डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए जो वेस्ट पॉलीथीन होती है क्लॉथ वाली, प्लास्टिक वाली तो अभी बैन हो चुकी है, तो जो क्लॉथ वाली हमारी जो पॉलीथीन मार्केट में अवेलेबल होती है सब्जी वगैरह सब में मिलती है, तो उनको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और ऐसे फोल्ड करके चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के और फोल्ड किया है, और मैंने एक ढक्कन की हेल्प से कोई राउंड शेप का जो भी आपके पास कुछ रखा हुआ हो उसकी हेल्प से हम इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और उसको कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद छोटे छोटे पीसेस हम बना लेंगे। ये देखिए, मेरे वाइट कलर के पीसेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने दो कलर के पॉलीथीन ली है और दोनों कलर मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं और इसका फ्लावर हम इस तरीके से बनाएंगे। इसको फोल्ड किया है और ग्लू गन की हेल्प से मैंने साइड पोर्शन को चिपका दिया है। ये हमारा फ्लावर रेडी है, वाइट कलर का भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों कलर के फ्लावर इस तरीके से रेडी कर लिए और ये रहे हमारे बहुत सारे फ्लावर्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमने दोनों कलर के फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। अब हाँ, बारी है हमारे डॉल को डेकोरेट करने की। तो हमारी डॉल को जो फ्रॉक है उसको हम डेकोरेट करेंगे ग्लू गन के हेल्प से। इन फ्लावर को ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चिपकाते जाएंगे, इसको लगाने के बाद हल्का सा दबा देंगे ताकि ये निकले नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से हम चिपकाते जाएंगे, पूरी लाइन को कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने दो कलर लिए हैं, तो सेकेंड जो लेयर है वो हमारे वाइट कलर की है। वाइट कलर के सारे फ्लावर्स में इसी तरीके से चिपका दूंगी। इसे वन बाय वन दोनों कलर के फ्लावर्स हम चिपका देंगे और हमारी पूरी फ्रॉक को बहुत ही प्यारे और अमेजिंग तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर ली है मेरी फ्रॉक को। ये बस इसी तरीके से पूरा फ्रॉक हम कवर कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारा फ्रॉक जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और देखिए हमारी प्रिंसेस बहुत ही प्यारी लग रही है। ये है ना अमेजिंग सा वॉल हैंगिंग। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फ्रॉक है ऑलमोस्ट हमारी प्रिंसेस का रेडी हो चुका है।
तो अब हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। अब मैंने जो पॉलीथीन ली थी उसका कुछ पार्ट लिया है और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो हमारी डॉल है उसके गले में इसी का हम नेकलेस बनाएंगे और इसी से हम उसका जूड़ा रेडी करेंगे। तो ये देखिए मैंने उसका नेकलेस और जूड़े दोनों को रेडी कर दिया है और जो हमारी जो डॉल है उसके ये अपर पार्ट को रेडी करने के लिए मैंने वूलन यूज़ किया है। वूलन को मैंने जो हमारा जो फ्रॉक लिया है उसी शेप में मैंने घुमा के और चिपका दिया है ग्लू गन की हेल्प से। ये देखिए और हमारी जो प्रिंसेस है उसी को मैंने ये बैंगल्स भी मैंने पहना दी है वाइट वूलन से। इसी तरीके से हम दोनों हाथ में कुछ पहना देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो प्रिंसेस है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस ये हमने इस तरीके से दोनों हाथों में बैंगल पहना दी है, ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ग्लू जो हमारा बहुत गर्म होता है ये चिपक जाता है हाथों में, तो थोड़ा सा केयरफुली करें। ये हमारी प्यारी सी डॉल रेडी है, बस इसको अब हैंग करना है। तो उसके लिए मैंने वूलन लिया है और उसको ऐसे फोल्ड करके गांठ लगा ली है और इसको मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है। बस तो फ्रेंड हमारा ये अमेजिंग सा वॉल हैंगिंग रेडी है। ओके तो फ्रेंड्स अब आप इसको हैंग कर सकते हैं। ये प्यारी सी डॉल आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो चैनल पे नए आए वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।